हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अरुण सिंह रावत और एक बार फिर से आप सभी लोगों का 7 मिनट की ट्रिक्स में मैं स्वागत करता हूं। थंबनेल पे आप लोगों ने देखा होगा कि क्वेश्चन बिना पेन पेपर के आप कैसे कर सकते हैं। होता क्या है, सबसे पहले मैं आपको बता चुका हूं कि नॉन परफेक्ट में मेरी एक ऑलरेडी वीडियो आपने देखी होगी। स्क्वायर रूट होता क्या है, जैसे आप 5 × 5 करते हैं तो 25 हो जाता है, तो आप बोलते हो कि 5 का स्क्वायर 25 हो गया। लेकिन अगर इसी 5 का अंडर रूट कर दिया आपने, तो आपने कहा कि इसके 2 फैक्टर हैं, 5 × 5, एक बार निकल जाएगा तो आंसर हो गया 5। तो 25 का तो बिना देखे हम बता सकते हैं कि इसका आंसर 5 है। लेकिन कुछ नंबर ऐसे होते हैं जिनका बता पाना बहुत मुश्किल हो जाता है, जिनके लिए हमें कैलकुलेटर की जरूरत पड़ती है, प्राइम फैक्टर्स निकालने पड़ते हैं और वो बहुत लंबा प्रोसेस हो जाता है, हमें उसके साथ नहीं जाना है। चलिए शुरुआत करते हैं। हम बात कर रहे हैं स्क्वायर रूट ऑफ परफेक्ट नंबर। परफेक्ट नंबर कौन से होते हैं ये तो सबको पता ही होगा। तो परफेक्ट नंबर वो होते हैं जिनके लास्ट में, मैंने कहा जैसे 81 हो गया एक परफेक्ट है, 82 नॉन परफेक्ट होगा, इसका आंसर पॉइंट में आएगा। इसका आंसर करोगे तो 9 आएगा, इसका करोगे तो 9 पॉइंट समथिंग होगा, सही है। चलो अब एक फॉर्मूला हमने बनाया, एक शॉर्ट ट्रिक हमने बनाया, इसको लॉजिक भी कह सकते हो, कि जिसके लास्ट में 1 होगा वो 1 का स्क्वायर होगा और 9 का स्क्वायर। आपने कहा 1 का स्क्वायर 1 होता है, 9 का स्क्वायर 81, तो 1 मिल रहा है ना। आपने कहा 6 कब आएगा, जब 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 मिलता है, 6 का करेंगे तो 36 मिल गया, 5 केवल 5 के स्क्वायर के लास्ट में आता है। आपने कहा 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, 8 का करेंगे तो 64, तो मतलब 4 2 और 8 में आता है। 9 कब मिलता है, 3 का स्क्वायर 9, 7 का 49, तो 9 के केस 2 है। तो ये आपने बनाई। अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, सवाल से समझाता हूं, सीधे क्वेश्चन पे लेके चलता हूं। 6 8 8 9, कुछ नहीं करना है, बड़ा सरल क्वेश्चन, एग्जाम में परफेक्ट ही आएगा। तो आपने कहा 9 किस किस के लास्ट में होगा, 3 और 7, कैसे पता चला ये देखो, 9 किसके लास्ट में, 3 और 7 के। अब आपको क्या करना है, आपने इसके आखिरी का डिजिट चेक किया, आपने कहा 3 और 7 आंसर होगा, दो नंबर को कट कर दो। अब आपको 68 को ले लेना है, दो नंबर कट करने बस। अब एक बात बताओ, 68 किसके स्क्वायर के नजदीक होता है, तो आपने कहा 8 का स्क्वायर 64 है और 9 का स्क्वायर 81 है, तो 68 इनके बीच में लाई कर रहा है, तो हमेशा स्मॉल वैल्यू को कंसिडर किया जाएगा हमेशा। तो आपका आंसर अब या तो 83 होगा या आपका आंसर 87 होगा, क्योंकि लास्ट में 3 और 7 होगा। इतनी बात समझ आ गई कि 68 8 और 9 के बीच में इसका स्क्वायर पड़ रहा है ना, 8 का स्क्वायर 64 81, तो आपने कहा हमेशा स्मॉल वैल्यू को कंसिडर किया जाएगा, तो 83 या तो इसके साथ में और 87, इन दोनों में से कोई एक आंसर होगा। कौन सा होगा, हम बहुत सरल तरीके से देखेंगे। देखो कि ये 68 किसके नजदीक है, इस वाले के नजदीक है, इस वाले के नजदीक है। तो आपने कहा यहाँ केवल 4 का डिफरेंस है, लेकिन यहाँ तो बहुत डिफरेंस है 13 का, तो नजदीक तो 64 के, तो जब नजदीक छोटे वाले के है तो छोटे वाला हमारा आंसर हो जाएगा, दैट इज 83 इज अवर आंसर। अब आप कहोगे सर ये तो बहुत कॉम्प्लिकेशन क्रिएट कर रहा, नहीं प्यारे बच्चों, अगर आप इसको धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे, वीडियो को 4 से 5 बार देखोगे, मुझे नहीं लगता कि इस सवाल में आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी। एक और सवाल पे नजर डालते हैं, 4761, बड़े प्यार से देखना 4761। तो आपने कहा लास्ट में 1 है, 1 का स्क्वायर 1, 9 का स्क्वायर 81, तो दो केस बन सकते हैं यूनिट डिजिट के, एक तो 1 हो सकता है और 9 हो सकता है, ये बात सबको समझ में आ गई। आपको दो नंबर लास्ट के कट कर देने, 47 बचा, तो आपने चेक किया 47 किसके नजदीक पड़ता है, तो 6 का स्क्वायर 36 है और आपने कहा 7 का स्क्वायर 49 है, तो भाई साहब इन दोनों के बीच में लाई कर रहा है, सही बात है। तो हमेशा स्मॉल वैल्यू को कंसिडर किया जाएगा, तो या तो आपका आंसर 61 होगा या फिर आपका आंसर 69 होगा। तो ये नंबर किसके नजदीक है, इसके नजदीक है, इसके नजदीक है, बड़े वाले के नजदीक है, तो आंसर कौन सा हो जाएगा, बड़े वाला, बस ये आपका आंसर हो गया, तो इसका आंसर हो गया 69। बस आपको ये चेक करना है कि नजदीक किसके है। कुछ कुछ समझ में आ रहा होगा, बहुत सारे बच्चे इसका आंसर आप कर पा रहे होंगे। चलिए एक और सवाल है, रुक जाओ। आपने कहा 8649, मैंने कहा ना 8649, बड़े प्यार से 9 फिर से आ गया तो 3 और 7 हो गया। अब आपको क्या करना है, दो नंबर फिर से कट कर देने, 86 किसका होता है, तो आपने कहा सर 9 का स्क्वायर 81 है और 10 का स्क्वायर 100 है, इसके बीच में लाई कर रहा है नंबर, बीच में ही आना चाहिए हमेशा, किसको कंसिडर किया जाएगा, स्मॉल वैल्यू। अब या तो आंसर 93 होगा या फिर 97 होगा, नजदीक में किसके है, इसके नजदीक में है, छोटे वाले के, छोटे वाला आंसर, दैट इज योर आंसर इज 93। सिंपल सा फॉर्मेट है। एक और 7921 वाला खुद से मुझे बताएंगे, जल्दी से बताएंगे, देखो कितना कितना टाइम लगेगा, मैक्सिमम 5 सेकंड, लास्ट में 1 है और 9,
दो नंबर कट कर दिए, 9 का स्क्वायर 81 है ना, और 8 का स्क्वायर 64, हमेशा इसके बीच में नंबर होना चाहिए ये वाला, तो आपने कहा 79 इसके बीच में लाई कर रहे हैं, स्मॉल को लेना है, लेना हमेशा स्मॉल को, तो 8 ले लिया। अब या तो आंसर 81 होगा या फिर 89 होगा, लेकिन 79 नजदीक किसके, बड़े वाले के नजदीक है, तो बड़े वाला आंसर हो गया। मैक्सिमम 5 से 6 सेकंड लगेगा आपको। बस एक बात मेरी याद रखना कि जो काटने के बाद दो नंबर ये मिलता है ना, ये बीच का नंबर होना चाहिए, कोई भी दो नंबर आप पिक करो, आप 9 और 10 मत कर लेना, क्योंकि 81 और 100 में 79 नहीं आएगा, जो 79 होना चाहिए वो इनके बीच का होना चाहिए, या 64 81 के बीच का नंबर है ये, बस ये ध्यान रखना। चलो नंबर थोड़ा बड़ा करते हैं, 1 3 4 5 6, 1 3 4 5 6 जल्दी से बनाएंगे, लास्ट में 6 है तो 4 और 6, आप क्या करना है वही प्रोसेस, दो नंबर कट कर दो, 134 किसके नजदीक पड़ता है अब मुझे बताओ, तो आपने कहा सर 11 का स्क्वायर 121 और 12 का स्क्वायर 144, तो इसके बीच में लाइक कर रहा है ना, इसके बीच में लाइक कर रहा है, तो स्मॉल को लेना है हमेशा, तो या तो आंसर 114 या 116 कोई एक आंसर होगा, तो किसके नजदीक है, इसके नजदीक है, इसके नजदीक है, तो आपने कहा इसमें अंतर 10 का है, इसमें अंतर लिया, 4 में से 1 गया 3, 3 में से 2 गया 1, 13 का अंतर, तो नजदीक इस वाले के ना, तो आपका आंसर 116, बड़े वाले के नजदीक बड़े वाला आंसर। एक बार थम्स अप कर दो फटाफट से, आसान है। एक और क्वेश्चन जल्दी से, 2 3 4 0 9 जल्दी से फटाफट से बनाएंगे, लास्ट में 3 लास्ट में 7 नंबर कट कर दो, 234 किसके नजदीक है जल्दी से बताओ, 15 और 16, 15 का स्क्वायर 225, 16 का स्क्वायर 256, इसके बीच में लाई कर रहे हैं, 234 सही बात है, तो हमेशा लिया जाएगा स्मॉल को, 15 लिया, अब या तो 153 या फिर 157, नजदीक किसके पड़ रहा है, इस वाले के, इस वाले के, चेक कर लो, 6 में से 4 गया 2, 5 में से 3 गया 2, 22 का अंतर है, 5 में से 4 गया 1, 2 में से 14 में से 5 गया 9, तो आपने कहा 9 का इसके नजदीक है, तो 153 छोटे वाले के नजदीक है, छोटे वाला आंसर। आई होप समझ में आ गया होगा, तो अब आप बड़े प्यार से इसका आंसर भी मुझे बता सकते हैं, बड़े प्यार से आप इसका आंसर बता सकते हैं, 3 और 7 दो नंबर कट कर दो, 246 अगेन, 15 का स्क्वायर 225, 16 का स्क्वायर 256, बाकी का प्रोसेस आप समझ गए होंगे, 15 ले लेंगे है ना, तो एक ये वाला क्वेश्चन, इसका आंसर क्या होगा आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे, इस वाले का आंसर क्या होगा वो भी आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल पे प्रेस कर देना,